हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बारिश जब जब होती है तब तब बहुत सारे फ़ोन बजते हैं कि मेरे को कुछ और खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, मुझे कुछ चाट सा खाना है, मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, गरम गरम चाय के साथ कुछ और ले लें। सो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी हाई चांसेस होते हैं आपकी डाइट का ख़राब होने के। ब्रेड पकौड़ा, समोसा या फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोग खा जाते हो और उसके बाद गिल्ट आता है, उसके बाद वेट लॉस जर्नी रुकती है, उसके बाद आप लोग कंप्लेंट करते हो। सो इससे अच्छी चीज़ है कि हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो कि ब्रेड पकौड़े का सब्स्टिट्यूट हो, या फिर जो कि मानसून में आपकी चटपटा या फिर चाट की क्रेविंग को ख़त्म करे, या फिर चाय के साथ गरम गरम सुबह नाश्ते में कुछ मिल जाए या शाम का स्नैकिंग हो जाए। ये जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, दो रेसिपीज़ ये स्पेशली मानसून सीज़न की हैं और इससे आपकी क्रेविंग ख़त्म होगी, डाइट में चीट नहीं कैलकुलेट होगी, लो इन कैलोरी है, हाई इन वेजीज है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, ये आपको बिल्कुल फुल करेगी विदाउट एनी चीट गिल्ट। हाँ, सो अब कैसे बनानी है ये रेसिपीज, उसके लिए हम चलते हैं किचन में। ऑलराइट जी, सो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बेसन ब्रेड। बेसन ब्रेड के लिए यहाँ पे मैंने लिया ब्लेंडर, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी एक शिमला मिर्ची, इसके मैंने सारे बीज निकाल दिए। ये ऑप्शनल है, आप शिमला मिर्ची रख भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो, बट मुझे लगता है कि मैं डालूँ तो मैंने यहाँ पे डाला है। एक प्याज डालूँगी मैं यहाँ पर कट करके। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास हैं 3 लहसुन की कलियाँ, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा गिलास जितना पानी और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ओके जी, सो यहाँ पे मैंने लिया है बाउल, आप इसके अंदर मेरे पास जो ये मेरा मिक्सचर है ये मैं यहाँ पे डालूँगी इतना, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन 1 कटोरी। ओके जी, सो ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, सो ये इस तरीके से है, ना गाढ़ा ना ही पतला। सो यस, यहाँ पे मेरे पास है एक मल्टीग्रेन ब्रेड, आप अच्छी क्वालिटी का ही ब्रेड लीजिएगा, लोकल जैसे ये आता है ब्राउन ब्रेड, ठीक है। सो मुझे ये ब्राउन ब्रेड किसी एंगल से नहीं लगता, बट इसका जो हिसाब किताब है मुझे समझ नहीं आया, वो डिटेल टॉक है ब्रेड की, वो मैं बाद में बात करूँगी। या तो आप घर पे ब्रेड बनाएं या मल्टीग्रेन अच्छी ब्रेड लेकर आएँ। सो ये मेरे पास एक मल्टीग्रेन ब्रेड है, यही मैं मैक्सिमम यूज़ करती हूँ अपने लिए। सो ये वाला ब्रेड हम यूज़ करेंगे इसके लिए। सो 1 पर्सन के लिए हम 2 ब्रेड लेंगे यहाँ पर। सो ये 2 ब्रेड्स हम इस्तेमाल करेंगे अभी। चलिए जी, अब इसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 2 ही चीज़ें डाल रही हूँ यहाँ पर, नमक एंड मैं यहाँ पे डालूंगी हींग पाउडर। ना मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, ना मैं इसमें कुछ और अपने मिक्सचर डाल रही हूँ, ना कोई और मसाले, सिर्फ नमक और हींग पाउडर, दैट्स इट, दिस इज रेडी। ओके जी, सो ये रहा मेरा ग्रिलर, आप कोई भी नॉनस्टिक तवा पैन ले सकते हैं, बट मैं ग्रिलर में बनाना प्रेफर करती हूँ, सो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब हो गया ये गरम अच्छे से, ये रहा मेरा बैटर, इससे मैंने ब्रेड को अच्छे से मिक्स करा, खूब अच्छे से, परफेक्ट। और ये हम डाल देंगे यहाँ पर। सिमिलरली सेकंड ब्रेड को भी हम अच्छे से सोक करेंगे, खूब अच्छे से, ये रहा, और ये भी हम डाल देंगे यहाँ। अब इसको सिम आंच पे हम बहुत अच्छे से पकने देंगे, बहुत ही अच्छे से सिम कर देंगे हम गैस और इसको पकने देंगे। क्विक टिप, इसको अच्छे से कुक करने के लिए आप इसको थोड़े टाइम के लिए कवर कर दो, बस मतलब सिम आंच पे 15-20 सेकंड के लिए। ओके जी, सो अब हम चेक करते हैं ये कितना परसेंटेज पका। ओह वाओ, नाइस। ओके जी, खूब अच्छे से अभी हम इसको पकने देंगे, बहुत ही अच्छे से। ओके, सो ये हमारा जो ब्रेड है ये बिल्कुल तैयार हो गया है जी।
बड़ा अच्छा करारा करारा एकदम बढ़िया सा। और ये मैंने साथ में लिया है हमस, ये मेरा होममेड हमस है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम की रील में डाल दूंगी। एंड दिस इज रियली यम, वाइट चने से मैंने बनाया है। सो यस, इसके साथ गरम गरम चाय। चलिए नेक्स्ट हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल इडली बिना इडली मेकर के। सो यहाँ पे मेरे पास है एक बाउल, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सूजी आधी कटोरी, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए बनाना है, हमने हार्डली एक या दो लोगों के लिए। अब यहाँ पे सब्जियाँ मैं बहुत सारी डालूंगी, हाँ, शिमला मिर्ची, गाजर, बीन्स, प्याज। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दही, होममेड दही, सिमिलरली एक कटोरी। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेरी आधी कटोरी जितना पानी। इसको खूब अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे सबको, बहुत ही अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से। ओके जी, सो अब हम इसके अंदर डालते हैं हमारे मसाले। मसालों के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ले लिया नमक, एज पर योर टेस्ट, कोशिश करो कम ही खाओ। सेकेंड इज हिंग पाउडर, थर्ड वन इज मेरा सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट इज मेरी सबसे अच्छी चीज कस्तूरी मेथी। अब बात आती है सीजनिंग की। सो यहाँ पे मैंने डाला है मेरा आधा चम्मच अमचूर पाउडर, मजे आ जाएंगे बारिश में। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास थोड़े से हर्ब्स हैं, आपके पास पिज्जा सीजनिंग हो, पास्ता सीजनिंग हो, आप डाल सकते हो। नेक्स्ट इज ये है पेरी पेरी मसाला, ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अमचूर मसाले ने सारा काम कर दिया है। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। कोई मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला है, कोई इनो नहीं डाला है, फिर भी बनेगी इडली और बहुत अच्छी बनेगी, आप देखना। परफेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे हैं दो स्टील की कटोरी। तो अब सबसे पहले मैंने लिया है घी, वो यहाँ पे डाल देंगे हम। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे घी को। नेक्स्ट दिस, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है मेरा मिक्सचर। परफेक्ट। सो ये जो मिक्सचर है हमारा रेडी है और अब हम इसे कुक करेंगे, पकाएंगे। तो यहाँ पे जुगाड़ दिखाते हैं हम आपको। कढ़ाई में यहाँ पे लिया गरम पानी, इसके ऊपर रख देंगे हम अपनी थाली, कट कर दी, करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने रख दिया मेरी दो कटोरियाँ मेरी इडली की। थाली फिक्स कर देते हैं बढ़िया से, हाँ इतनी होगी। अब हम इसको ढक देंगे और अब इसको भाप में हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए। ओके जी, सो अभी चेकिंग कर लेते हैं इसको। ओके, यस, बन गई। इसको अब हम निकालेंगे, गैस करेंगे पहले बंद, इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट में, इसको ठंडा करेंगे 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ओके जी, सो ये रही हमारी चटपटी इडली बिना इडली मेकर के, और ये मैंने ठंडी करके निकालिया, और ये रहा मेरा हमस। आप इसको कोकोनट चटनी, आपकी घर की बनी हुई चटनी, मिंट पुदीना चटनी के साथ भी ले सकते हैं। वेलकम बैक जी। सो ये रेसिपीज़ कोई भी ले सकता है, कोई भी पर्सन ये रेसिपीज़ को यूज़ कर सकता है। अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हो और आप हेल्थ कॉन्शियस हो कि नहीं जी हम तो हेल्दी खाएंगे, हम तो बिल्कुल फिट रहेंगे, तब आप भी ये रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हो। अपनी चीट मील समझ के इसको ऐड कर सकते हो, या फिर रेगुलर बेसिस पे अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जो कि होगा मॉनसून का वेट लॉस डाइट चार्ट, जिसकी हेल्प से अगर आपका फीवर, जुखाम, बुखार, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है मॉनसून के सीज़न में, तब वो ठीक होगा। प्लस उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी जो है वो चलता चला जाएगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, सो आई विल सी यू सून, टेक केयर जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, बाय।